टीटी ने एक फौजी को मारा थप्पड़, फिर फौजी ने कर दिया ये हाल। टीटी के थप्पड़ कांड के बाद जवानों ने किया ऐसा काम, वीडियो हो गया वायरल। आर्मी से पंगा लेना इस रेलवे कर्मचारी को पड़ा भारी, नौकरी भी गई। दोस्तों सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए, जिसमें एक टीटी आर्मी जवान को थप्पड़ मार रहा है और उस पर चिल्ला भी रहा है, जिस आर्मी का देश का हर नागरिक इतना सम्मान करता है। इसके बाद सेना के जवान भी इसका कड़ा विरोध करते हैं। चलिए बताते हैं आपको कहाँ की खबर है ये और टीटी ने क्यों एक फौजी को थप्पड़ मारा, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों जो जवान हमारे देश की सेवा करते हैं उनको इस तरह से थप्पड़ मारना कितना सही है, क्योंकि फौज को तो पूरे देश के बॉर्डर का इलाका कवर करना पड़ता है, यानी दूर दराज जाना पड़ता है, और उसके लिए वो ट्रेन की मदद तो लेते ही है। लेकिन इस जवान के पास टिकट नहीं था, और टिकट इसलिए नहीं था क्योंकि उसे अचानक से किसी ऑपरेशन पर जाना था जो कि बहुत कम समय में निर्धारित हुआ था, और इसी वजह से उन्होंने ट्रेन की मदद ली। लेकिन टिकट ना होने पर टीटी ने जो जोरदार थप्पड़ मारा उसके बाद इस तरह से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। दोस्तों ऐसा ही कुछ दिन पहले हुआ था जो अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि दिल्ली से जाने वाली ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस में दिल्ली से बरेली के बीच टिकट की चेकिंग हो गई, और इस दौरान 45 लोग बिना टिकट के पकड़े गए, जिसमें से 25 आम जनता और 20 पुलिसकर्मी शामिल थे, जो कि काफी शर्मनाक घटना थी। ऐसे में जब टीटी इन्हें ट्रेन टिकट ना होने पर जुर्माना भरने के लिए कहा तो उसे पुलिस द्वारा धमकाया जाने लगा, और एक पुलिसकर्मी तो यहाँ तक कहने लगा कि मैं पहले भी 2 बार जुर्माना भर चुका हूँ, और अगर तुम कभी मेरी गिरफ्त में आए तो तुम पर इतने मुकदमे लगा दूंगा कि तुम याद रखोगे। ऐसे में टीटी काफी देर तक उन पुलिस वालों से बातचीत करता रहा, लेकिन सभी पुलिस वाले टीटी से बहसबाजी करते हुए और उसको कुछ न कुछ उल्टा कहते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने तो टीटी से यहाँ तक बोल दिया कि जाओ और जाकर बाकी लोगों का टिकट काटो, यहाँ ट्रेन में इतने लोग बिना टिकट सवारी कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ हम ही लोग दिख रहे हैं और तुम्हें पुलिस की वर्दी दिखाई नहीं देती है। ऐसे में टीटी ने भी उन्हें जवाब दिया और उसने कहा कि जब पुलिस की वर्दी उतारोगे तो अंदर से आप एक आम इंसान ही नजर आओगे, और ट्रेन में सफर करने के दौरान सभी को नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई पुलिस वाला हो या कोई बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। जब ट्रेन का नियम है कि बिना टिकट के कोई भी ट्रेन में सफर नहीं कर सकता तो ये नियम सभी पर लागू होता है। लेकिन ऐसे में सभी पुलिस वालों ने टीटी की एक बात नहीं सुनी और उनसे लगातार बहस करते रहे। ऐसे में इस घटना से आप खुद ही यूपी पुलिस का हाल देख सकते हैं। दोस्तों जो पुलिस खुद ही नियमों का पालन नहीं करती और इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आती है, वो आम जनता से कैसे नियमों का पालन करवाएगी, और ऐसे में ये आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर यूपी पुलिस लोगों पर तो नियम मानने का दबाव बनाते हैं, लेकिन अक्सर वही ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे ना सिर्फ उनकी बदनामी होती है बल्कि उनकी वर्दी की भी बदनामी होती है। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस लगातार अपनी वर्दी की शान गिराने में लगी हुई है। ऐसे में आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या आपको कभी टीटी ने परेशान किया है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।